हनुमान लला ने अचानक ही शारीरिक विकास की बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ ली थी। उनकी बाल लीला देख वाली ये समझ गया था कि हनुमान लला कोई साधारण शिशु नहीं है। वो हनुमान लला के प्राण लेने हेतु एक बार फिर केसरी भवन में आता है। हनुमान लला वो इस प्रकार सेब के प्रति आकर्षित हुए कि उन तक पहुंचने के लिए वो अपने पैरों पर स्वयं खड़े भी हो गए। ये देख वाली और सुग्रीव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे कहा कि ये मरकट तेरे पतन का कारण बनेगा। मेरे होते हुए आपका पतन? कभी नहीं। वाली जितना दुष्ट और धूर्त है, सुग्रीव उतना ही निश्चल और सरल। कितनी सरलता से वो घमंडी वाली के झूठ में आ गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सरल व्यक्ति जैसा स्वयं है वैसा ही संसार को देखता है। जैसे सुग्रीव का हृदय सरल है, इसी कारण वो मेरा मित्र है। जिसके हृदय में छल और कपट हो वो मुझे पा ही नहीं सकता। कपट करने वाला सोचता है कि वो सबको मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, किंतु अंत में वो अपनी ही हानि कर बैठता है। जैसे देखो, आज वानर राज सुग्रीव की देवता तक प्रशंसा करते हैं, जबकि वाली अपने कर्मों के कारण हर लोक में निंदा का पात्र है। भैया मैं गिर गया और आप हंस रहे हैं? क्योंकि मैं भी तुमसे पूर्व इसी तरह गिर चुका हूं, ठीक वहीं से। कौन है वहां? कौन है? कहाँ गए? ये सब तो यहां से आ रहे थे, कहाँ गए? भी भूख लग रही क्या भैया?
आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया भैया। कहाँ ढूंढू भैया? हमने प्रायः पूरा राजभवन ढूंढ लिया, किंतु वो शांत और सुंदर शिशु अब तक नहीं दिखाई दिया। शांत सुंदर? मरकट बोलो, मरकट शत्रु है वो हमारा। मुझे क्षमा करें भैया, मैं भूल गया था। अब मैं सदा स्मरण रखूंगा, मरकट मरकट। प्रणाम वानरराज। आइए आमात्य। कलयुग राज के षष्ठी संस्करण की सारी व्यवस्था हो गई। जी वानरराज, आपसे कुछ परामर्श करना था। किस विषय में? 10वें दिन के नामकरण और संस्कार के लिए अतिथि की सूची के विषय में। सर्वप्रथम युवराज के नाना वानरराज कुंजर। वानरराज, मैंने तो उनका नाम सर्वप्रथम लिख लिया था। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ से आरंभ करके अंग, उत्कल, कंबोज, कैकई, काशी, मिथिला, सोभी, चैदियर। साथ सभी मित्र राज्यों को निमंत्रण दे। मले, माल्यवान, मैनक और मध्यांचल के भी शासकों को निमंत्रण भेजिए। परम पूज्य ऋषि पनक, ऋषि मगध और ऋषि अगस्त को तो आना ही होगा। साथ ही दंड ककानन, मतंगारण्य तथा नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे सभी ऋषियों को संदेश दीजिए कि युवराज को आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। और हमारे सीमावर्ती किष्किंधा के राजा ऋक्षराज और उनके पुत्र वाली और सुग्रीव। नामकरण के साथ कल के षष्ठी संस्कार में भी उन दोनों को आमंत्रित कीजिए। प्रणाम महाराज। महाराज, ऋषि शवानी के शिष्य आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। आने दो। जी महाराज। महाराज। प्रणाम तपस्वी। हम दंडकारण्य से आपको कुछ सौंपने आए। अष्ट धातु से निर्मित एक सिद्ध गदा है महाराज। हमारे गुरु के गुरु ने यह गदा तपस्या करके स्वयं दिव्य शक्तियों से प्राप्त की थी महाराज। किस प्रयोजन से? और एक तपस्वी का गदा से क्या कार्य? राक्षसों से संघर्ष करने के लिए हमारे गुरु के गुरु ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था महाराज, किंतु कालांतर में उन्होंने हिंसा का त्याग करके अहिंसा का व्रत धारण किया था महाराज। उनके देहावसान के पश्चात यह गदा हमारे गुरु
ऋषि सावर्णी की सुरक्षा में थी। सुरक्षा में? जी, वे अपने गुरु की आज्ञा अनुसार इस गदा के अधिकारी के जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु 2 सप्ताह पूर्व उन्होंने भी देह त्याग दी। अपने देहांत के पूर्व उन्होंने कहा था कि यदि यह गदा आश्रम में रही तो किसी राक्षसी शक्ति में पड़ जाने का संकट हो सकता है, अतः उनके आदेश पर ही हम यह सिद्ध गदा आपको सौंपने आए हैं। किंतु मुझे ही क्यों? उन्होंने कहा था कि शमसादन नामक राक्षस के वध के पश्चात आप ही इस गदा के योग्य अधिकारी हैं। अच्छा, जो इसके वास्तविक अधिकारी हैं वो कौन है? मैंने भी उनसे यही प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? समय आने पर इस गदा का वास्तविक अधिकारी स्वयं आपसे यह गदा मांग लेगा महाराज, और आप यह गदा उसे सहर्ष दे भी देंगे। ऋषियों की बातें सदा समझ में नहीं आती, किंतु समय बीतने पर हर रहस्य खुल ही जाता है। किंतु इस गदा में क्या विशेष है? वानर राज, यह अमोघ गदा है। अपने लक्ष्य पर चोट करने के पश्चात वापस अपने स्वामी के हाथों में लौट आते हैं, और दूसरी विशेषता इसकी यह है महाराज कि इससे टकराने वाला चाहे वो कठोर से कठोर तत्व से ही क्यों ना बना, इससे टकराकर खंड खंड हो जाता है। अज्ञानी, अब मैंने क्या किया भैया? मैं तो कब से यहाँ पे चुपचाप खड़ा हूँ। तुम नहीं, ये तपस्वी इतना भी नहीं जानता कि इस गदा का योग्य अधिकारी कौन है। कौन है भैया? कौन है? मैं महानतम। और कौन? वो तो आप हैं भैया। ये गदा तो किष्किंधा में होनी चाहिए। मेरे पास, मुझ महानतम के हाथ में। ये तो बहुत ही अद्भुत गदा है। आपके गुरु के गुरु अवश्य ही कुशल योद्धा रहे होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बताइए, इस गदा का मैं कैसे प्रतिदान करूं? नहीं महाराज, हमें कोई प्रतिदान नहीं चाहिए। आप राक्षसी आक्रमण और आतंक से
निर्दोष मनुष्यों व प्राणियों की रक्षा जैसे करते आए वैसे ही करते हैं। यही हमारे गुरु की इच्छा थी। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है और ऋषियों को दान करना भी राजा का कर्तव्य है। मंत्री जी, जी महाराज, इन युवा तपस्वियों को हमारी ओर से 1,000 स्वस्थ गायें प्रदान करें। अब आप लोग विश्राम करें और कुछ दिनों तक हमारे अतिथि बनकर रहें। आपकी जय हो राजन। परम शक्तिशाली ईश्वर आपकी भुजाओं में और बल दे, आपके वंश को बढ़ाए और सदैव सुरक्षित रखे। बेटा, अन्न प्राशन के पश्चात आ जाओ। अंजने, ये देखो क्या पहना, मेरा नया गदा। जानती हो इसकी विशेषता क्या है? क्या आर्य पुत्र? ये अमोघ गदा लक्ष्य पर चोट मारकर स्वामी के हाथों में स्वयं वापस आ जाता है। और उससे भी अधिक विशेषता है, ये कठोर से कठोर शस्त्र को एक ही टक्कर में खंड खंड कर देता है। सब किसने किया प्रिय? न जाने किसने किया। मेरे कक्ष से जाने के पूर्व तो ये सब सेब वहां पेट पर पड़े हुए थे। आपके जाने के पूर्व कोई कक्ष में आया था क्या? नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ आपके ये पुत्र ही थे। तो हमारे पुत्र तो कुल 5 दिन के हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? वो तो अभी खड़े भी नहीं हो सकते।